नमस्कार दोस्तों, सैम क्रॉसड्रेसर चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रा, अगर ब्रा उपलब्ध नहीं होती या नहीं बनाई जाती तो क्या होता? क्या लड़कियों के स्तन इतने खूबसूरत और सुडौल बन पाते? क्या क्रॉसड्रेसर अपनी छाती पर लड़कियों की तरह स्तन बना पाते? आखिर ब्रा किसने बनाई और पहली बार ब्रा किसने पहनी? ब्रा कितने प्रकार की होती हैं और ब्रा में किस प्रकार के कपड़े का उपयोग किया जाता है? महिलाएं किस उम्र में ब्रा पहनना शुरू कर देती हैं? टीनेज लड़कियों के लिए कौन सी ब्रा होगी? लड़कियों को खेल यानी जिम वर्कआउट, योग और फुटबॉल के लिए कौन सी ब्रा पहननी चाहिए? घरेलू कामकाजी महिला के लिए कौन सी ब्रा उपयुक्त रहेगी? स्तनपान कराने वाली माँ के लिए कौन सी ब्रा होगी? और बाजार में कई तरह की ब्रा उपलब्ध हैं। हम आपको इस वीडियो में उन सभी ब्रा के बारे में बताएंगे। ये वीडियो खास तौर पर आप महिलाओं और क्रॉसड्रेसर के लिए है। एक क्रॉसड्रेसर को पता होना चाहिए कि एक महिला क्या पहनती है और क्या पहनना चाहती है। अगर एक क्रॉसड्रेसर को महिलाओं के बारे में पता नहीं है तो एक क्रॉसड्रेसर महिलाओं की तरह कैसे कपड़े पहन सकता है? इसलिए क्रॉसड्रेसर को महिलाओं की जीवन शैली के बारे में पता होना चाहिए। और एक क्रॉसड्रेसर को कौन सी ब्रा पहननी चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। मुझे पता है कि यह वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप ब्रा पैंटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने प्यारे हाथ की एक उंगली से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि YouTube पर क्रॉसड्रेसर का भी कुछ रुतबा होता है। ब्रा सभी प्रकार के सबसे जरूरी कपड़ों में से एक है, जिसे रोजाना पहनना लाखों महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह लंबी अवधि में ब्रा एक लाभदायक वस्तु हो सकती है। ब्रा के कप आपके स्तनों में लगाने की जगह होते हैं, जो ब्रा का मुख्य और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वे गोल या थोड़े नुकीले होते हैं, जो आमतौर पर दो कप के होते हैं। कप का कार्य आपके स्तनों को अच्छे आकार में रखने के लिए उनकी रक्षा करना और उन्हें सहारा देना है। सबसे पहले जानते हैं ब्रा का कुछ इतिहास। आज ब्रा मार्केट में तरह तरह की ब्रा उपलब्ध हैं और ब्रा का अब तक का सफर क्या है, आइए जानते हैं। 16वीं शताब्दी कोरसेट। 16वीं शताब्दी कोरसेट के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। जबकि कोरसेट तकनीकी रूप से एक ब्रा नहीं था, यह महिलाओं के स्तनों को आकार देता था और ऊपर उठाता था, हालांकि वे अभी भी 14वीं शताब्दी के बंदूक शैली के कपड़े की तरह स्तनों को चपटा करते थे। ब्रा का डिजाइन और पेटेंट कराकर अमेरिकी महिलाओं को कोरसेट से मुक्ति दिलाई 1913। मैरी फेल्प्स जेकब 1892-1970 अपने बॉल गाउन के नीचे पहनने के लिए कोरसेट से अधिक आरामदायक कुछ चाहती थी। उन्होंने वह डिजाइन किया जिसे हम अब ब्रा के रूप में जानते हैं। उसके पास दो रूमाल और कुछ रिबन थे। बाद में उन्हें इसका पेटेंट मिल गया। अगर रोम की मैरी फेल्प्स जेकब ने 1913 में ब्रा बनाई थी, तो 1913 से पहले हमारे देश की महिलाएं क्या पहनती थी? हमारे देश में ब्रा के आगमन से पहले महिलाएं अपने शरीर के चारों ओर अपने स्तनों से लेकर घुटनों के नीचे तक कपड़े का एक टुकड़ा लपेटती थी, या तो वो अपने स्तनों को साड़ी के पल्लू से ढक लेती थी। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमारे देश की महिलाएं कपड़े के दो टुकड़े पहनने लगी, कपड़े का एक टुकड़ा स्तन के चारों ओर लपेटने के लिए और कपड़े का दूसरा टुकड़ा नीचे लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। महिलाएं अपने स्तनों के ऊपर कपड़ा रखती थी और पीछे की ओर कपड़ा बांधती थी। ऐसा करना महिलाओं के लिए ब्रा की ओर पहला कदम था। इस स्टाइल को स्ट्रपलेस ब्रा या स्लीवलेस ब्लाउज कहना गलत नहीं होगा। स्तनों को ऊपर उठाने के लिए रिबन को पट्टियों के रूप में उपयोग करने का मैरी फेल्प्स जेकब का विचार दुनिया भर की महिलाओं को पसंद आया। धीरे धीरे सिलाई के तरीके भी आधुनिक हो गए और ब्रा के कप ब्रेस्ट के आकार में बनाए जाने लगे। आजकल कई तरह के ब्रा कप पैटर्न उपलब्ध हैं, लेकिन मैरी फेल्प्स जेकब का रिबन आइडिया आज भी ब्रा में ब्रा स्ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ब्रा कितने प्रकार की होती हैं और किसे कौन सी ब्रा पहननी चाहिए। टी शर्ट ब्रा, जिसे कॉलेज जाने वाली लड़कियां टी शर्ट जीन्स या टॉप जीन्स पहनती हैं। टी शर्ट ब्रा उन लड़कियों के लिए उपयोगी है। टी शर्ट ब्रा स्तन के निपल्स को दबाती है और उन्हें छिपा कर रखती है, जिससे स्तन के निपल्स टी शर्ट पर दिखाई नहीं देते हैं। कर्वी ब्रा, कर्वी ब्रा उन लड़कियों के लिए है जिनके स्तन काफी भारी होते हैं। कर्वी ब्रा स्तनों को सुंदर और सुडौल बनाए रखने में मदद करती है। कर्वी ब्रा भारी स्तन वाली महिलाओं के स्तनों के लिए है जो सूट सलवार और साड़ी ब्लाउज पहनना चाहती हैं। स्ट्रैपलेस ब्रा, स्ट्रैपलेस ब्रा उन महिलाओं के लिए है जो बैकलेस ब्लाउज या बैकलेस ब्रास पहनना चाहती हैं। स्ट्रैपलेस ब्रा में या तो ब्रा की पट्टियां नहीं होती हैं या ये पारदर्शी होती हैं।
चाहे बैकलेस ब्लाउज हो या डीप नेक ड्रेस या फिर डीप नेक गाउन, इन सभी ड्रेस के लिए स्ट्रेपलेस ब्रा बनाई जाती हैं। होम ब्राउन महिलाओं के लिए आरामदायक होती है जो घर पर रहती हैं और घरेलू काम करती हैं। इस ब्रा को स्लिप ऑन होम ब्रा कहा जाता है। ये ब्रा वायरलेस और डबल लेयर और फुल कवरेज वाली है। इस स्लिप ऑन ब्रा में स्ट्रैप्स नहीं लगी होती हैं। स्ट्रैप्स घर में काम करने वाली महिलाओं के लिए असुविधा का कारण बन सकती हैं। मैटरनिटी ब्रा, मैटरनिटी ब्रा उन माताओं के लिए है जो बच्चे को स्तनपान कराती हैं। इस ब्रा के कप को स्ट्रैप क्लिप का उपयोग करके स्ट्रैप से अलग किया जा सकता है। जब बच्चे को स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है तो माँ ब्रा कप को बस स्ट्रैप की क्लिप से अलग कर सकती है। इस ब्रा में स्तन को बाहर निकालने और स्तनपान कराने के लिए ब्रा को खोलने और ब्रा की कमर की पट्टी को खींचने की जरूरत नहीं होती है। स्पोर्ट्स ब्रा, स्पोर्ट्स ब्रा उन महिलाओं के लिए है जो एक्सरसाइज या जिम में वर्कआउट करती हैं या फिर कोई खेल खेलती हैं। इस ब्रा के स्ट्रैप को मजबूत भारी बनाया गया है और कप को काफी टाइट बनाया गया है ताकि जो महिलाएं व्यायाम करती हैं या खेल खेलती हैं उन्हें स्तन को अपने शरीर के साथ एडजस्ट न करना पड़े या स्ट्रैप क्षतिग्रस्त या ढीला न हो। तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि इस ब्रा की पट्टियां कितनी अच्छी बनाई गई हैं। ब्लाउज ब्रा, ब्लाउज ब्रा ये नया पैटर्न आया है मार्केट में। ये ब्लाउज ब्रा मॉडर्न महिलाओं की बदलती सोच को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आपने सोशल मीडिया पर या अपने सामने कई लड़कियों को साड़ी के साथ ब्लाउज की जगह ब्रा पहने हुए देखा होगा। यहाँ तक कि अगर आप किसी लड़की को ब्लाउज में देखते हैं तो आप भी भ्रमित हो सकते हैं कि यह ब्लाउज है या ब्रा। ब्लाउज और ब्रा के बीच का गैप खत्म हो गया है, इसलिए ब्रा इंडस्ट्रीज ब्लाउज और ब्रा के बीच एक समाधान लेकर आई है। आपको ब्रा और ब्लाउज का स्वाद एक में मिलेगा। अगर आप मॉडर्न और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो ये ब्लाउज ब्रा खरीद सकती हैं। टीनेज ब्रा, टीनेज ब्रा 9 से 13 साल की उम्र की लड़कियों के लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें टीनेज वाली बात क्या है। ये ब्रा बिल्कुल स्पोर्ट्स और स्लिप ऑन ब्रा की तरह है। ये स्लिप ऑन स्पोर्ट्स ब्रा की तरह नहीं है क्योंकि इस ब्रा में कप साइज न के बराबर है, इसलिए यह ब्रा टीनेज लड़कियों के लिए है। इसे आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्रॉसर ड्रेसा ब्रा की। मैंने आपको कई बार बताया है कि क्रॉसर ड्रेसा के लिए कौन सी ब्रा बेहतर है, लेकिन हमारे चैनल से जुड़ने वाले नए सब्सक्राइबर को हमारा ब्रा वीडियो नहीं मिला है। क्रॉसर ड्रेसा आपको कौन सी ब्रा खरीदनी चाहिए, चाहे वह कर्व्ड ब्रा हो या डबल लेयर ब्रा या वायर ब्रा, लेकिन वह फुल कवरेज ब्रा होनी चाहिए। पैडेड ब्रा, पुशअप ब्रा, स्पोर्ट्स ब्रा, क्रॉसर ड्रेसा को ये ब्रा बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से जो ब्रा पहनती हूँ वह डबल लेयर फुल कवरेज ब्रा है। इस ब्रा में महिलाओं की तरह ही स्तन भी प्राकृतिक हो जाते हैं। मैंने पैडेड ब्रा, वायर ब्रा, पुशअप ब्रा पहनी है और ये ब्रा स्तनों को प्राकृतिक नहीं बनाती हैं। इसे महिलाएं पहन सकती हैं, लेकिन क्रॉसर ड्रेसा को इसे नहीं पहनना चाहिए। क्रॉसर ड्रेसा समझ गए होंगे कि कौन सी ब्रा खरीदनी है। अगर क्रॉसर ड्रेसा सोच रहे हैं कि किस साइज की ब्रा खरीदें और हमारी ब्रा का साइज क्या होगा, हमारे पास मापने के लिए स्तन भी नहीं है। अगर किसी क्रॉसर ड्रेसा को किस साइज की ब्रा खरीदनी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर यह वीडियो देख सकती हैं। आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी ब्रा किसके लिए है। क्या आप जानते हैं कि ब्रा में कौन से पैटर्न और कप के नाम होते हैं? कृपया समझें कि यह बहुत उपयोगी होगा। बालकनी, प्लंज, थ्री क्वार्टर्स कप, पुश अप, फुल कप, मिनिमाइजर, मल्टीवे, टी-शर्ट, ट्रायंगल, प्लंज, स्ट्रैपलेस, स्पोर्ट, कॉसेट। अब हम आपको ब्रा में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक के बारे में बताते हैं। कॉटन और माइक्रोफाइबर ब्रा दोनों ही रोज पहनने के लिए उपयुक्त हैं, और जहां कॉटन अधिक कोमलता प्रदान करता है वहीं माइक्रोफाइबर ब्रा हल्का एहसास प्रदान करती है। फिर मौसम के अनुसार उनमें से चयन करना पसंद का मामला है। कॉटन कपड़े का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी फैब्रिक हैं, जैसे पॉलिएस्टर फैब्रिक, लाइक्रा फैब्रिक, प्योर कॉटन फैब्रिक, सिंक फैब्रिक, कॉटन होजियरी फैब्रिक, थर्मल होजियरी फैब्रिक, होजियरी निटेड फैब्रिक, टी शर्ट फैब्रिक, जर्सी फैब्रिक। हमारे चैनल ने यथासंभव शोध करने का प्रयास किया है ताकि आपके ब्रा से संबंधित प्रश्नों का समाधान हो सके। अगर अभी भी ब्रा से जुड़ी कोई कमी है जो आपको इस वीडियो में नहीं मिली है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अगला वीडियो साड़ी ड्रेपिंग का होगा। तब तक अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।